हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आप सबका अपने चैनल टेक्निकल चैलेंज पे। रोज़ की तरह आज भी आपके सामने बहुत सारे लेक्स, रूमर्स और टेक न्यूज़ के खुलासे लेकर के आए हैं, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा अंत तक। जल्दी शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज के टेक न्यूज़ की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। और सैमसंग के तरफ से एक नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को लिस्ट करवाया गया है 10A सर्टिफिकेशन पे, और इस सीरीज़ का नाम होने वाला है सैमसंग W21 सीरीज। ये सीरीज 5G को भी सपोर्ट करेगा, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये एक फोल्डेबल सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है। और दोस्तों, आज OnePlus की तरफ से कुछ पिक्चर्स रिलीज किए गए हैं अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 8T के लिए, जिसकी लॉन्च इवेंट रखी गई है 14 अक्टूबर को। और इसमें बताया गया है कि इसकी वजन मात्र 188 ग्राम्स की होने वाली है, थिकनेस भी काफ़ी कम रखी गई है, मात्र 8.4 mm की है। हालांकि कैमरा बम्प्स काफ़ी उभरे हुए हैं और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको केस वगैरह लगा करके रखने पड़ेंगे रियर साइड में। क्वाड कैमरा सेटअप पीछे साइड में देखने के लिए मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होने वाला है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डिप सेंसर कैमरा है। और दोस्तों, रेडमी की तरफ से एक नए सर्टिफिकेशन को स्पॉट किया गया है CNIPA पे, रेडमी 10 सीरीज के नाम से। इसमें दो वेरियंट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, रेडमी 10 और रेडमी 10A। आप लोग अब तक रेडमी नोट 10 का इंतजार कर रहे थे और ये रेडमी 10 लेकर के आने वाले हैं। और इसमें आपको पिक्चर्स में देखने से लग नहीं रहे हैं कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर कहीं पे हैं, साइड माउंटेड भी नहीं है, तो हो सकता है इसमें इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाए। इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है रियर साइड में। प्राइस वगैरह अभी तक कोई खुलासा नहीं है, देखते हैं किस प्राइस पे ये आने वाले हैं। और दोस्तों, मार्क्यू के साथ फ्लिपकार्ट की पार्टनरशिप हुई है और ऐसे में आपको बिग बिलियन डे सेल पे हो सकता है मार्क्यू के कुछ नए स्मार्टफोन आपको सेल पे दिखाई देंगे। प्राइसेस वगैरह का कोई अभी खुलासा नहीं है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा सस्ते वेरिएंट्स आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों, कूलपैड याद है आपको? जी हाँ, हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन कूलपैड इतने दिन सोए रहने के बाद फिर से जाग गया है। कूलपैड जिंदा है और अपने 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसमें 21 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा सेटअप मिलेगा फ्रंट के लिए। और ये अमेजन पे सेल पे दिखाई देने वाला है, हो सकता है इसी सेल में आपको दिखाई दे जाए। प्राइस वगैरह का भी कोई खुलासा नहीं है, जो भी होगा आपको सब बताएंगे। और दोस्तों, एप्पल के एयरटैग्स की लॉन्चिंग को टाल दी गई है मार्च 2021 तक के लिए। अब किसी भी लॉन्च इवेंट में आपको ये दिखाई नहीं देने वाला है मार्च 2021 से पहले, तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर है। और दोस्तों, काफ़ी इंतजार के बाद गूगल का पिक्सल 4a फोन भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस रखी गई है 30,000 रुपये। और इसी के साथ ही एक और प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई है, गूगल नेस्ट ऑडियो स्मार्ट स्पीकर की। इसकी प्राइस रखी गई है करीब 7,000 रुपीज़ की, और ये आपको सेल पर दिखाई देगा बिग बिलियन डे सेल के पहले दिन से, यानी 16 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप इसके बड़े वाले फ़ैन हैं तो आप इसको जाकर के ले सकते हैं, नहीं तो आपको 30,000 के रेंज में आपको OnePlus Nord भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है देखने के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ ये भी फ़ोन उपलब्ध है। और दोस्तों, ओप्पो के तरफ से ओप्पो फाइंड एक्स 3 सीरीज के लिए एक नए पेटेंट को फाइल करवाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा दिखाई देगा, क्वाड कैमरा सेटअप रियर साइड में दिखाई देने वाला है, इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं होने वाला है, कोई फिजिकल बटन नहीं होगा, फ्लेक्सिबल वेरिएंट का ये फ़ोन होने वाला है। प्राइस वगैरह का कुछ खुलासा नहीं है, जो भी आएगा आपको बताएंगे। और दोस्तों, आज के टेक न्यूज़ के अंत में बात करते हैं रियलमी के क्यू सीरीज़ के लॉन्चिंग को लेकर के। और बताया जा रहा है कि क्यू सीरीज़ का Q2 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग इसी महीने 13 तारीख को हो सकती है, यानी कि 2-4 दिन अभी बचे हुए हैं। इसके कुछ इमेजेज भी लीक होकर के आए हैं, लेदर फिनिश रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, 5000 mAh की बैटरी इसके सभी वेरिएंट्स में होने वाली है। तो देखते हैं किस प्राइस में और किस किस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये आते हैं। तो बस इस टेक न्यूज़ के करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम रोज़ इसी तरीके से आपके साथ टेक न्यूज़ शेयर कर सकें। बगल के भी ये दोनों वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये भी आपके काम की है। मिलते हैं आने वाले नए टेक न्यूज़ के साथ इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।